उत्तर प्रदेश में एनकाउंटर का दौर चल रहा है। योगी की पुलिस ये कसम खाकर बैठी है कि यूपी को अपराध मुक्त करना है और इसके लिए फिर चाहे जो कुछ भी करना पड़े, गोली का जवाब गोली से देंगे। और अगर कोई अपराधी अपराध की दुनिया को छोड़ना चाहता है तो फिर उसका भी साथ दिया जाएगा। आप देखिए पिछले कुछ वक्त से किस तरह से खबरें आ रही हैं, अलग अलग शहरों से एनकाउंटर की खबरें आती हैं जो ये बताने के लिए काफी है कि माफियाओं का क्या हाल हो रहा है। छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा अपराधी यूपी में अपराध करने से डर रहा है। अब या तो वो अपराध छोड़ रही है या फिर यूपी छोड़ रही है। आलम ये है कि बड़े बड़े माफियाओं की हालत खस्ता है, उनके बसे बसाए साम्राज्य को उधेड़ा जा चुका है। फिर चाहे मुख्तार अंसारी ले लीजिए, अतीक अहमद ले लीजिए, तमाम ऐसे बड़े माफिया हैं जिनका एक वक्त पर सिक्का चलता था, लेकिन आज वो कहाँ है, किस हाल में है, ये सब देख रही है। कुनबे के कुनबे को योगी सरकार ने खत्म कर दिया है। बुलडोजर नीति, एनकाउंटर नीति के दम पर योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश की जनता की पहली पसंद बने हुए हैं। इन सब के बीच उत्तर प्रदेश के जालौन से एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। दरअसल यूपी पुलिस ने एक बार फिर से बड़ा एनकाउंटर किया है। बताया जा रहा है कि 10 मई को जिन बदमाशों ने सिपाही भेदजीत को मारा था और मारने के बाद फरार हो गए थे, उनका एनकाउंटर हुआ है और इन दोनों बदमाशों को ढेर कर दिया गया है। ये इस वक्त की बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के जालौन से सामने आ रही है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, 10 मई को जालौन जिले में एक सिपाही अपराधियों का पीछा कर रहे थे। सिपाही को बदमाशों ने गोली मार दी और मौके पर ही उनकी मौत हो गई थी। 1:30 बजे के आसपास हाईवे चौकी पर तैनात सिपाही भेदजीत अपनी ड्यूटी कर रहे थे, लेकिन इसी दौरान इन अपराधियों के साथ उनका आमना सामना हुआ और अपराधी उनको गोली मारकर वहां से फरार हो गए, जिसके बाद भेदजीत की मौत हो गई थी। तभी से ये मामला तूल पकड़ रहा था। भेदजीत का परिवार योगी की पुलिस से और योगी सरकार से गुहार लगा रहा था कि ढूंढ कर इन अपराधियों को सजा दी जाए। खबर ये मिल रही है कि जब पता लगा कि ये सिपाही उसी इलाके में है जहां पर पुलिस बहुत दिन से सर्च ऑपरेशन चला रही है, तो ऐसे में पुलिस ने अपनी फोर्स को बढ़ाया और मौके पर और ज्यादा सिपाहियों को तैनात किया गया। जैसे ही ये दोनों अपराधी मौके पर पहुंचे, तुरंत इनको दबोच लिया गया, लेकिन इन अपराधियों ने बैकफायर करने की कोशिश की, भागने की कोशिश की, जिसके बाद पुलिसकर्मियों ने इन पर फायर कर दिया और बताया जा रहा है कि इस एनकाउंटर में दोनों बदमाश मारे गए। बहरहाल जिस तरह से ये बड़ी खबर जालौन से सामने आई, इसको लेकर अब उत्तर प्रदेश की जनता कह रही है कि जैसे को तैसा, जैसा इन्होंने सिपाही के साथ किया था वैसा ही योगी की पुलिस ने इनके साथ किया है। अब आप बताइए, जिस तरह से बैक टू बैक एनकाउंटर हो रहे हैं, अपराधियों को ठोका जा रहा है, इस नीति को लेकर आप क्या राय रखते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमें जरूर